मैम इतने दिन हो गए अनशन को, आप लोग अपने घर बार सब छोड़ के अनशन पे बैठे हुए हैं और 11 लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जैसे कई लोग कहते भी हैं आमरण अनशन क्या होता है, मतलब पानी पीते, जैसे अभी आपने भी कहा कि बच्चों को नहीं पता, लोगों को नहीं पता, उनको लगता है कि आमरण अनशन में अनशन पे ही बैठे होंगे, पानी तक या खाना तक नहीं खाते होंगे, तो उसके बारे में आप कुछ कहें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, हमारे जो ये साथी बैठे हैं यहाँ 11 साथी, उन्होंने आज उनका पांचवा दिन आज अनशन का, वो सिर्फ पानी पे ही डिपेंड है। उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं लिया, ना वो जूस ले रहे हैं। उनके जोश और जज्बे को सलाम है। और जो नहीं जानते उनको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि अनशन का इन्होंने ले रखा है आमरण अनशन, मतलब सरकार या तो हम यहाँ से विजय होके जाएंगे, यहाँ पे मरना पसंद है पर ऐसे घर नहीं जाएंगे। आप लोग इतने दिन हो गए, सरकार से क्या वार्ता चल रही है, कि आपको क्या उम्मीद लग रही है सरकार से, कि कब तक ये धरना खत्म होने की उम्मीद है? अब देखो ये तो सरकार पे डिपेंड है, हम लोगों ने तो बिल्कुल ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि या मरना मंजूर है, घर नहीं जाएंगे। सरकार वार्ता के लिए बुला रही है पर कुछ एक पॉइंट है इन पे, वो नहीं बन रही है सहमति। तो सरकार क्या पॉइंट्स है जिस पे सहमति नहीं बन रही है आपकी और सरकार की? एक तो हमारी जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन की जाए, कोई बहुत बड़ा वित्तीय भार नहीं है सरकार पे, पर पता नहीं सरकार को क्या सोच रहा है, वो लोग हमारी ये डिमांड पूरी नहीं कर रहे। एक हमारा जो पहला प्रमोशन है उसको 2800 विलोपित करके 3600 की जाए। बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे सरकार से, बहुत कम मांग रहे ऐसा समझ लो, फिर भी सरकार नहीं दे रही। सरकार क्या कह रही है इस बात? सरकार ने इस बात पे कमिट भी किया था लास्ट जो बीजेपी 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे गहलोत जी ने ना इस बात पे कमिट भी किया है कि हम ये बीजेपी गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा है, ये उदासीनता है उनकी। अब गहलोत सरकार इस चीज़ को क्या कहेगी? ये उदासीनता है कि क्या है, हट धर्मिता है, इसको क्या कहेंगे वो? कि जो हमारे इतने महीनों से कई धरने हुए, RTH बिल को ले लो या फिर बाद में वकीलों के ले लें, कुछ हुए जैसे अब आप लोगों के चल रहे हैं, तो बाकी लोगों की बात मानी गई, तो अब आपको क्या उम्मीद लग रही कि आप लोगों की भी मानी जाएंगी? बिल्कुल मानी जाएगी, सरकार हमारी सुनेगी और हम इसी आस में बैठे हैं। और जब हमारे 11 साथी अब आमरण अनशन पे ही जा चुके हैं तो हम खाली हाथों नहीं जाएंगे, या तो मर के जाएंगे या फिर हम ऑर्डर लेकर जाएंगे। अगर इनको कुछ भी होता है, जैसे आमरण अनशन पे सिर्फ पानी पे ही अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा फिर? बिल्कुल सरकार होगी पूरी तरीके से, इनके कुछ भी होता है कुछ भी, उस सब चीज़ों के लिए सरकार जिम्मेदार है। अभी एक साथी भाई की तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल में गए थे, उससे पहले दो भाइयों की तबीयत खराब हो चुकी है, तीन लोग बीमार हो चुके हैं इस आमरण अनशन पे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इतनी निष्ठुर सरकार कैसे हो सकती है? अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचना सरकार, अगर हम सब उन्हीं के राज्य में हैं तो हम सब उनके बच्चे हैं और उनको देखना चाहिए कि हम लोग किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। और एकदम से निष्ठुर हो जाना बिल्कुल गलत है, ये तो मानवता के विरुद्ध जा रही है सरकार। सरकार को बिल्कुल देखना चाहिए, अदरवाइज अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा क्योंकि नहीं। इतने तादाद में हम देख रहे हैं, इतनी तादाद में जनसंख्या यहाँ पर है, बाहर रोडों पर भी हैं, आती जाती हैं, तो फिर बाद में कैसे आप लोगों का आना जाना, मतलब लोगों का जो ऑफिस है उनमें काम ठप पड़े हैं, सरकार के कई काम ठप पड़े हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसको कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? जैसे अगर फील्ड अगर सरकार बात भी मानती है फिर कैसे मैनेज करेंगे? हम पूरे जोश के साथ अपना काम करेंगे और जो भी काम रुके हुए हैं उनको अपनी तीन गुना एनर्जी के साथ जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। सरकार हमारी बातें हमारे बातें मांग तो है ही नहीं, जो सरकार ने हमसे लिया है हम वही वापस मांग रहे हैं। हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, समानता मांग रहे हैं और अपनी एजुकेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी गलत है। अगर सरकार ये आप लोगों की मांगे अभी नहीं मानती है तो धीरे धीरे आप लोग क्या इस जैसे आज धरने पे हैं, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से आज हम लोग धरने पे हैं, फिर आगे क्या करने के लिए? हम सारे अनशन पर बैठ जाएंगे, हम सारे बैठ जाएंगे, ये देख लेना। धन्यवाद।